रुक रुक के ना देख रुक रुक के रुक रुक के ना देख रुक रुक के देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। बहुत सही काम हुआ है क्योंकि आज के लिए बहुत हम लोग को खुद डर लगता है कि आज ये रोज लगातार ये सब चीज़ें होती है, एक दिन दो दिन ऐसा कुछ नहीं है, डेली हमेशा लड़कियाँ एकदम नहीं सेफ है। जो आज हुआ है उससे बुरा होना चाहिए था, जबकि फांसी देना चाहिए था। ये बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं तो कहूँगी कि पुलिस को नहीं मारना चाहिए, पूरी पब्लिक को ही मार देना चाहिए, एट द स्पॉट उसी समय डेथ करना चाहिए उन लोग को। एक तरह से पॉजिटिव हुआ है, लेकिन पूरे पब्लिक को साथ देना चाहिए, पूरे पब्लिक को एट द स्पॉट ही उन लोग को ख़त्म करना चाहिए था, क्योंकि डर हम लोग को भी लगा रहता है। और हम ये नहीं बोलेंगे कि बॉयज़ सिर्फ सपोर्ट करें, गर्ल्स को भी सपोर्ट करना चाहिए था। गर्ल्स अगर सेल्फ डिफेंस नहीं बनेगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इसमें। बहुत अच्छा हुआ जो ये अभी हुआ, ये पहले ही होने जाना चाहिए था। इस तरह लोग आगे बढ़ावा नहीं करेंगे और पहले ये सब करने से एक बार सोचेंगे कि उनको क्या होगा आगे चलकर। सर ये सज़ा इन लोग को पहले ही हो जानी चाहिए थी। हमारा कानून आज के जो हमारा इन्वायरमेंट है उन लड़कियों के प्रति, इस अगर ऑन द स्पॉट इस पे एक्शन लेती है तो ये सही होता। और अभी ये एक्शन ले रही है, इनकाउंटर किया है, अच्छा किया है। अगर ये पब्लिक को ऑफर किया जाता कि ये पब्लिक इस पर एक्शन ले तो ज़्यादा बेटर होता हमारे हिसाब से। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज होना चाहिए, गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, पब्लिक को अवेयर करना चाहिए, ये करना चाहिए। आई थिंक फांसी कोई सोल्यूशन नहीं है, हम लोग को और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जितना उस लड़की को सफ़र करना पड़ा है उससे, मतलब उतना ही रेपिस्ट को भी सफ़र करना चाहिए। अब हमारा कानून बहुत अच्छा हो गया है, इसीलिए अच्छा हुआ एक्शन हुआ, चारों को बहुत अच्छा हुआ मौत मिली। नहीं तो पहले के कानून तो 50 साल बाद एक्शन लेते थे, 50 साल तक केस चलता रहता था, लेकिन अब तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। हम लोग को खुद डर लगता है बाहर निकलने में रात में, लेकिन अब थोड़ा लग रहा है कि कानून हम लोग का बहुत स्ट्रिक्ट है तो अच्छा है, अच्छा हुआ उन लोग को मौत की सज़ा मिली। वो बहुत अच्छा हुआ कि पुलिस इतना जल्दी एक्शन लिया है। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि किसी लड़की का रेप होने के बाद इतना जल्दी एक्शन लिया गया और उन सबको सज़ा दी गई, इनफैक्ट मार दिया गया। बहुत खुशी हुई है सुन के, अच्छा है। हम तो सोचते हैं कि उन लोगों को एनकाउंटर करना ही काफ़ी नहीं है, उनको वैसा ही दर्द देना चाहिए जो लड़कियों को उन्होंने जो दर्द दिया है, तभी उन्हें समझ आएगा कि उन्हें कितना दर्द हो रहा है, दूसरों को दर्द देने में कैसा होता है। उन्हें एनकाउंटर नहीं करना चाहिए, उन्हें वही दर्द दे मारना चाहिए, तभी कुछ सुधरेगा हालत। या फिर कोई भी केस कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, ये जो भी ये वारदात करता है उसको तुरंत मार देना चाहिए और भी वही दर्द दे के मारना चाहिए।